चाणक्य जी ने बहुत साल पहले ये कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्भी संधियां हुआ करेंगी। ये चचा भतीजे की ऐसे ही दुर्भ संधियां 2017 के से अगर किसी देश के राजनीतिज्ञ ने खोया है तो उनका नाम शिवपाल यादव है। उन्होंने अपनी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है वो बनाई, अखिलेश जी से 80 सीटें मांगी, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 होते हुए एक भी सीट नहीं मिली। आप कहेंगे जसवंत नगर की मिली, जसवंत नगर में उनको साइकिल दे करके, क्योंकि वो अच्छे कैंडिडेट थे, अखिलेश यादव ने अपनी सीट को निकलवा लिया है, उनके अध्यक्ष को नहीं, उनकी पत्नी को नहीं, उनके बेटे को नहीं दिया। तो अब क्या है, मुझे कोई और नहीं, तुझे कोई छोट नहीं, इस बात पर है। अब विरासत नहीं करेंगी सियासत के फैसले, अब उड़ाने तय करेंगी आसमान किसका होगा। तो ये गढ़ अगर कह रहे होंगे ना कि मैनपुरी गढ़ है, मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छा विषय वस्तु दे रहा हूं कि 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टफ चुनाव था, क्योंकि सपा और बसपा के गठबंधन की सरकार थी और दोनों चुनाव था, और उन दोनों नेताओं में मैं कभी कभी दुश्मनों की भी तारीफ करता हूँ कि उन दोनों नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी। श्री मुलायम सिंह यादव केवल 94,000 से मैनपुरी लोकसभा जीते हैं, और बहुजन समाज पार्टी चाहे गोरखपुर हो, चाहे चुल्लूपार हो, चाहे आपकी बगल की हो, पड़रौना हो या बस्ती हो, 1,00,000 वोट डाल देती है बीएसपी लोकसभा में। तो अगर बीएसपी का गठबंधन 19 में नहीं होता तो मुलायम सिंह जी चुनाव हार जाते, उस हिसाब से तो 4,000 से हार रहे हैं। नहीं, दो और दो राजनीति में चार नहीं होते हैं, जब गठबंधन होता है तो कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ज़्यादा होता है। अब मुलायम सिंह जी नहीं है, नंबर एक बात, नंबर दो बात बीएसपी नहीं है, और नंबर तीन बात यह है कि वो ना उनका मार्गदर्शन मिल रहा है ना वो कैंडिडेट स्वयं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को निश्चित तौर से जीतेगी। 1891 में स्थापित हिंदुस्तान की पुरानी बारों में से एक में मैं स्वतः अपने आप आया हूँ। अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत भव्य स्वागत किया है, और छोटी मोटी बातें हैं जो सारी जायज़ हैं, एक अक्सर लोगों पे मुकदमे कायम हो जाते हैं और कई बार कातलाने हमले भी हो जाते हैं, और वादी जो होता है वो प्रतिवादी के वकील को अपना निजी दुश्मन मानने लगता है। तो एडवोकेट प्रोटेक्टिव एक्ट की बात है, चूँकि सबकी वकालत बहुत अच्छी नहीं चलती है, कहने को वो एडवोकेट हो जाते हैं, इलीट क्लास में शामिल हो जाते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल हो जाते हैं, बहुत प्रिविलेज सिटीजन हो जाते हैं, लेकिन है ना, भावनाओं से देश नहीं चलता, भावनाओं से चूल्हा नहीं चलता है, चूल्हे के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो उनका इन लोगों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के अंदर कवर होना चाहिए, अथवा और पेंशन बीमा योजना कुछ होनी चाहिए। उसके मामले में जब भी ये वकालतनामा लगाते हैं तो 10 रुपये का टिकट उनको लगाना पड़ता है। इनका कहना है कि ऐसे करोड़ों रुपये सरकारों के पास उनके हैं, उनके ब्याज से ही बहुत कुछ वेलफेयर स्कीम हो सकती हैं। चैम्बर्स की बात है, प्रोटेक्टिव एक्ट की बात है, जीवन सुरक्षा की बात है, पेंशन संबंधी कुछ बात है। मैं इस ज्ञापन को अपने वरिष्ठ मंत्री और सरकार के सामने रखूंगा कि जो है, जब मोदी जी की सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानी जाती है, वेलफेयर स्कीम के लिए बनी जाती है, तो हमारे अधिवक्ता भाई भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है।